एक और बात बताना चाहूंगा कि डायलिसिस की पेशेंट को ये बुरानी में मशीन तो लाए, लेकिन साथ में थाना में भी दो जगह और अवेलेबल कर दिए और खालसे घर भी बहुत जल्द खुलने वाला है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। खालसे घर खुल दो दो मेरे हिसाब से 2 दिन के अंदर खालसे घर खुलने की संभावना है, इससे शहर को राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद है अशोक पटेल शानू, जो ये काम कर रहे हैं इस वक्त, इस स्तर पर किसी ने काम नहीं किया, पूरी तरह से उमरा में घूम रहे हैं, डायलिसिस की पेशेंट की परेशानी काबिले तारीफ काम किया और आज शबे बारात में भी भीड़ ना लगे, इसके लिए उन्होंने अपना फर्ज निभाया है, वो अब भी घूम रहे हैं। शानू भाई क्या कहेंगे उमरा के नौजवानों को जो कि अब भी कोई कोई टुकड़े टुकड़े में निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर घूमें? मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बहुत बड़ा बड़ी रात है, एक रोज़ा है, अल्लाह से दुआ करें कि ये बीमारी जो हमारे एरिया में फैली है, हमारे देश में फैली है और दुनिया में फैली है, उससे निजात दिलाए और गंभीरता को ले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और मैंने उनके परिवारों को कोविड में भेजा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, मेरा भी दिल गवार नहीं कर रहा। एक आदमी को कोरोना हो रहा है पॉजिटिव, तो पूरी फैमिली को क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, छोटे बच्चे भेजने वाला मैं ही शख्स हूँ, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसी ज़िंदगी के अंदर मैंने कभी पल नहीं देखा। मैं मुमरा कोसा के नौजवानों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये माहौल और ये दिन घूमने फिरने का नहीं है, हमें एहतियाती करना चाहिए, इसका इलाज ही एहतियाती है। हम एहतियाती करेंगे तो हमारे परिवार, हमारा शहर, हमारा देश और दुनिया को एहतियाती का बता सकते हैं और उनके लिए हमारे परिवार के साथ साथ दुनिया की सुरक्षा होगी। अभी भी आप निकले हैं लोगों को यही समझाने के लिए, कहाँ कहाँ गए आप और क्या असर देखा आपने? देखिए मैंने लोगों को समझाया तो मैं गया था अभी उन इलाकों में जिन बिल्डिंगों को सील किया गया कि लोगों को क्या तकलीफ है, उनकी ज़रूरत की क्या चीज़ है, मैं उधर ही गया था और वहीं से अभी आया हूँ और लोगों से जहाँ भी देखता हूँ मैं ये बोल देता हूँ कि आप खड़े मत रहो, भीड़ मत जमा करो, अब ये मौका जो है हम हमारे घर में सेफ्टी से अपने घर का ख्याल रखें और साथ में सबसे बड़ा फ़र्ज हमारा पर ये है कि हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे। अगर अल्लाह ताला ने हमको साहिब माल बनाया है और हम उस काबिल है, तो मैं मेरे शहरवासियों को इतनी गुजारिश करूंगा कि अपनी बिल्डिंग और अपने पड़ोसी को भूखा ना रखे, उसे देखे नहीं, आपको दिया है तो उसको ताउन करें, उसकी खिदमत करें, मैं आपके ज़रिए यही बोलना चाहूँगा। शबे बारात के लिए इससे बेहतर और कोई मैसेज नहीं है कि ये भी एक इबादत है कि आप किसी भूखे को खाना खिला दें, और यही बात नगर सेवक अशरफ फरहान शानू आपसे कहना चाह रहे हैं। उनके काम को सैल्यूट है कि जिस तरह वो इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए MLA जितेंद्र अहवाड के शाना बशाना खड़े हैं, उस पूरी टीम को हम सलाम करते हैं जो इस वक्त इस बीमारी से लड़ने के लिए डॉक्टर्स हो, पत्रकार हो, हमारे नगर सेवक हो, हमारे NGOs हो, उन सभी को सलाम है कि मुमरा शहर में उन्होंने अब तक लॉकडाउन को प्रभावी भी बनाया और जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ी देख रहे हैं कि वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जरिए एक और बात बताना चाहूँगा कि डायलिसिस की पेशेंट को ये बुरानी में मशीन तो लाए, लेकिन साथ में थाना में भी 2 जगह और अवेलेबल कर दिए और खालसे घर भी बहुत जल्द खुलने वाला है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। खालसे घर खुल दो दो मेरे हिसाब से 2 दिन के अंदर खालसे घर खुलने की संभावना है, इससे शहर को राहत मिलेगी।